नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं प्रभात खबर की चुनावी चर्चा। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार की 4 लोकसभा सीटों पर आज चुनाव संपन्न हो गया। ये 4 लोकसभा सीटें थीं गया, नवादा, जमुई और औरंगाबाद। अगर हम बात करें कि इन 4 सीटों पर कुल मिलाकर शाम तक जो मतदान का प्रतिशत था वो 48.23% वहाँ वोटरों ने मतदान किया, जबकि 2019 के चुनाव में इन्हीं 4 सीटों पर 53.47% वोट पड़े थे। जाहिर है, पिछले चुनाव की तुलना में इस बार तकरीबन 5% मतों की गिरावट दर्ज की गई है, 5% वोटर कम निकले मतदान के लिए। इसका क्या मतलब है? और दूसरी बात कि जैसी कि रिपोर्ट आ रही है, इन 4 जगहों पर शहरी जो इलाके हैं, मतदाताओं की एक तरह से उदासीनता देखी गई, जबकि ग्रामीण इलाके में भारी गर्मी के बावजूद लंबी लंबी कतारें देखी गई, चाहे वो जमुई का इलाका हो या नवादा का क्षेत्र हो, औरंगाबाद और ग्रामीण इलाकों में मतदाताओं की लंबी लाइनें देखी गई। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब क्या होगा, अगर वोटर कम निकले तो इसका क्या मतलब है, वोट परसेंटेज कम हुआ है तो इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं। और इसी बीच सभी पार्टियों ने अपने दावे प्रतिदावे शुरू कर दिए। एनडीए का अपना दावा है कि हम 4 सीटों पर हमारे उम्मीदवार जीत रहे हैं, जबकि महागठबंधन का कहना है कि कम वोट ये बता रहा है सरकार के प्रति एक किस्म की अपेक्षा नहीं है और वो उनके उम्मीदवारों के पक्ष में मतदाताओं ने वोट किया है। तो दावे प्रतिदावे तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन परिणाम क्या आता है ये अभी भविष्य। इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है मिथिलेश कुमार जी, हमारे सहयोगी। हम उनसे चर्चा करते हैं। ओवरऑल मिथिलेश जी, जो 4 सीटों पर आज मतदान हुआ, वहाँ सबसे पहली बात तो ये कि जो पोल परसेंटेज है वो पिछले चुनाव की तुलना में तब कम हुआ जबकि चुनाव आयोग और बाकी एजेंसियाँ, खुद प्रभात खबर की ओर से एक जागरूकता अभियान सभी जिलों में सभी लोकसभा सीटों पर चलाया गया था, इसके बावजूद लोगों की भागीदारी का उस हिसाब से नहीं होना, ये क्या संकेत करता है? एक तो भीषण गर्मी भी है, भीषण गर्मी जो टेम्परेचर तापमान, चाहे गया का हो या नवादा का, औरंगाबाद, जमुई, सभी जगहों पे एक तापमान एक कारण रहा जो लोग गर्मी के कारण नहीं आ पाए वोट देने। लेकिन दूसरी बात जो है वो एक चिंता की बात भी है कि इतने तरह के जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए सरकार से लेकर चुनाव आयोग, फिर हम लोगों ने प्रभात खबर की ओर से भी हम लोगों ने मीडिया चुनाव का कंपेन किया है, जो कम अधिक से अधिक लोग वोट देने आए, स्कूल कॉलेज खासकर यूथ युवा वर्गों के बीच प्रभात खबर की भी टीम गई। इसके बावजूद जो कम वोट आया उसका एक जो प्रमुख कारण बताया गया वो, या दिखा भी, वो एक गर्मी एक विषय लगता है। दूसरी बात है जो मतदाताओं में, खासकर शहरी मतदाताओं में, ग्रामीण इलाकों में तो महिलाएं भी घर से निकली, छाता, गमछा, काफी लंबी लाइन, लंबी कतारें थी, लंबी लाइन लगी थी वहाँ। शहरी इलाके में युवा मतदाताओं की भीड़ कहीं कहीं जरूर देखने को मिली, जो पहली बार जो वोटर थे, फर्स्ट टाइमर जो थे, उनका एक उत्साह था। लेकिन जो मिडिल एज वाले जो वोटर हैं वो, उनकी संख्या थोड़ी कम दिखी। तो इसके मायने तो राजनीतिक दल अपने हिसाब से लगा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक चुनाव के प्रति लोगों का रुझान होना चाहिए जो नहीं, थोड़ा सा कम दिखा। और आगे जो अब 26 अप्रैल को जो वोट होना है उसमें देखना होगा कि कैसे मतदान का प्रतिशत बढ़े। ये एक बड़ी बात, एक है। ये है कि राजनीतिक दल जो अपने एजेंडा को लेकर जाते हैं समाज या वोटरों के सामने कि हम ऐसा समाज बनाएंगे या ऐसी सरकार बनाएंगे, आपके लिए ये करेंगे, तो क्या मतदाताओं का ये भी जो संख्या कम दिख रही है कि वो भरोसा नहीं कर पा रहे हैं? एक कारण तो वो है, जैसे आप देखें कि इस चुनाव में 2 दिन पहले, आज वोट है, 2 से 3 दिन पहले किसी खास राजनीतिक दल ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, या कमोबेश मान ले आप सभी पार्टियों का
जैसे पहले के चुनाव में देखा जाता था कि चुनाव घोषणा हुई, उम्मीदवारों का चयन हुआ, उसके बाद चुनाव घोषणा पत्र भी जारी हो जाता था, तो लोगों के बीच, मतदाताओं के बीच एक पूरा मैसेज जाता था कि किनके घोषणा पत्र में क्या है। एक विमर्श भी होता था, विमर्श भी होता था और एक चर्चा होती थी, चौक चौराहे पे बहस होती थी। लेकिन इस बार जो है वो थोड़ा सा उसका कमी दिखा और लोगों में एक उत्साह भी नहीं के बराबर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कम है पिछली बार की तुलना में। जैसे अभी हमने देखा, आपने बताया कि 53.47%, उससे 5% कम, मतलब 76 लाख जो वोटर हैं उसमें से आप 5% आप देख लीजिए, कम से कम 3.5 से 4 लाख वोटर कम निकले, नहीं निकले, तो ये एक बड़ा गैप है ये। और एक तो आधा ऐसे ही था, और हाँ मैंने उसमें भी मान लीजिए 35 लाख 36 लाख जी अगर निकलते थे, हाँ, उसमें भी आप, उसमें भी वो कमी आई, तो ये एक बड़ा गैप है जिसको भरने की जरूरत है। ये चिंता की भी बात, चिंता की भी बात है निश्चित रूप से। लेकिन मिथिलेश जी, अब हम लोग बारी बारी से संसदीय सीटों के बारे में थोड़ा विमर्श कर लें, थोड़ी चर्चा कर लें, तो शुरू करते हैं गया से। जी, गया में जीतन राम मांझी एनडीए के प्रत्याशी और उनके मुकाबले महागठबंधन की ओर से थे कुमार सर्वजीत। वहाँ का ट्रेंड और वहाँ का जो आज पूरा पैटर्न रहा वोटिंग का, उसको देखते हुए आप किस नतीजे पर या निष्कर्ष पर पहुँचने की ओर बढ़ सकते हैं? देखिए, निष्कर्ष जो अंतिम निष्कर्ष से क्या रहा ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन वोटरों का जो ट्रेंड है वो, अब गांव की बात करें तो गरीब गुरबा या सिर पे गमछी रख के, गमछा रख के, छाता रख के, या महिलाओं को मैंने देखा जो ऐसे भी धूप में खड़ी है, तो वोट का परसेंटेज वो किस ओर वोट कर रही हैं उन पे निर्भर करता है। लेकिन 2-3 चुनावों की हम बात करें तो गया से जैसे पिछले बार एनडीए के उम्मीदवार थे उनको जीत मिली थी, उसके पहले भी एनडीए के ही उम्मीदवारों को जीत मिली थी, तो इस बार भी एनडीए है और इस बार जो महागठबंधन ने है वो एक नया प्रयोग किया और अपेक्षाकृत युवा उम्मीदवार जो स्थानीय भी हैं और उनकी शैक्षणिक डिग्री वगैरह भी अच्छी है, पकड़ भी है उनकी, तो उनको उम्मीदवार बनाया है। तो मतदाताओं का क्या पसंद रहा ये तो अब 4 जून को दिखेगा, लेकिन इतना तय है कि मार्जिन जो है जीत का अंतर वो बहुत ही कम होगा। क्या नवादा, कम मतों से, क्या नवादा की सीट पर भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है? नवादा की हम बात करें तो सबसे मतलब चिंता की बात है कि सबसे कम वोट वहां पर है, मात्र 41% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। नवादा, नवादा की सीट पर भाजपा की ओर से विवेक ठाकुर और महागठबंधन की ओर से श्रवण कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं। एक तीसरा कोण राजवल्लभ यादव के भाई का है जो बनाने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ एक एनडीए की ओर से भी कोई बागी प्रत्याशी खड़े थे जिसको लेकर हालांकि उतनी चर्चा नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच है, विवेक ठाकुर और श्रवण कुशवाहा के बीच में। हाँ मिथिलेश जी, आप जी, आप वो नवादा की मैं चर्चा कर रहा था। नवादा में पिछले चुनाव में 2019 में करीब 50% मतदाताओं ने, आधे मतदाताओं ने अपने वोट का प्रयोग किया था, इस बार तो वो उसमें से करीब 10% की कमी है, ये एक बड़ी गिरावट है। अब नवादा की जनता को बाहर क्यों नहीं निकल पाई, क्यों नहीं वो वोट कर पाए, ये तो दोनों दलों के लिए, माने दोनों गठबंधनों के लिए और पॉलिटिकल पार्टियों के लिए ये बिल्कुल चिंता की विषय, ये पॉलिटिकल पार्टियों के लिए भी चिंता का विषय है और होना भी चाहिए कि आखिर जिनके लिए वह दावा करते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे, ये योजना लेकर आएंगे, बिल्कुल आपके लिए लोक कल्याणकारी योजनाएं बनाएंगे, और वही लोग अगर नहीं निकल पाते हैं तो बिल्कुल यह राजनीतिक दलों के लिए भी एक चिंता और सोचने का विषय तो बनता ही है। जी जी, निश्चित रूप से। अब जमुई वगैरह की हम चर्चा जैसे करें तो जमुई में भी करीब 5-6% लोग पिछले साल की तुलना में, पिछले चुनाव की तुलना में 2019 की तुलना में कम वोट पड़े और मतदाता भी कम निकले, जबकि जमुई में भी भीषण गर्मी तो थी, दोनों नए प्रत्याशी थे, ऐसा कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं था, दोनों गठबंधनों के नए प्रत्याशी थे, तो मतदाताओं के पास एक नया फ्लेवर था, एक ताजा दोनों उम्मीदवारों का चुनाव मैदान में। जी जी, तो वहाँ वोट परसेंटेज की उम्मीद की जा रही थी कि लोग नए और ज्यादा आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 48 से थोड़ा सा अधिक
लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया वो पिछले साल की तुलना में करीब 5% 5% की कमी है जमुई में। वहां भी यही स्थिति देखने को मिल रही है। ये जो मध्य वर्ग है और गरीब जो तबका है, तो आमतौर पर जो हम लोगों ने भी फीडबैक लिया, मध्य वर्ग के लोग उस तरह से पंक्तिबद्ध होने के लिए शायद तैयार नहीं हुए, या वोट देने के प्रति उनकी एक तरह से जो उदासीनता है, ये तो बड़ा ही चिंता में डालने वाली बात है। हाँ, निश्चित रूप से। जैसे हमने कहा कि शहरी इलाकों में पहली बार जो वोटर हुए उनमें तो था उत्साह कि वोट करना है, वो या जान रहे थे या नहीं जान रहे थे कि सरकार किसकी सरकार बननी सही रहेगी या किसके पक्ष में करना है, लेकिन वोट उनको देना था और वो मैच्योर, वो उनकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वो वोटर थे। मध्य वर्ग की या मध्य उम्र के लोगों के जो बात है, तो एक निराशा, इसके कारण में जानना ज़्यादा जरूरी है। समाजशास्त्रियों को भी देखना होगा, सरकार को भी, चुनाव आयोग को भी, कैसे उन लोगों को घर से बाहर निकालें, क्योंकि सरकार तो उनसे भी बननी है। गरीब लोग तो फिर भी तैयार हैं वोट देने के लिए, ये अपेक्षाकृत जो गांव के लोग हैं या शहर के भी गरीब लोग हैं, लेकिन जो खाते पीते घर के लोग हैं, जिन मध्य वर्ग हैं के दायरे में आते हैं, उनका घर से नहीं निकलना, ये एक चिंता का सवाल है। ये तो नवादा और जमुई में कम वोट पड़े, जबकि गया में लगभग 50-52% वोट पड़ा। और अब हम बात कर लेते हैं औरंगाबाद लोकसभा सीट की, जहां करीब 50% वोट पड़ा, और वहां से आपके पास क्या फीडबैक है? क्या वहां भी यही ट्रेंड दिखाई दिया जो बाकी मगध के इलाके में बाकी सीटों पर एक प्रवृत्ति दिखाई दी? क्या वैसा ही था वहां भी कि शहर में कम लोग निकले और गाँव में और ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा लोगों की भागीदारी रही? कमोबेश यही स्थिति औरंगाबाद में भी रही, लेकिन औरंगाबाद की एक रोचक ये है कि सुबह के 9 बजे तक सबसे कम वोट वहाँ पर रहा, खासकर जो शहरी इलाकों में। कई ऐसे मतदान केंद्र में कहीं इक्का दुक्का, कहीं 5, कहीं 10, कहीं 70, कहीं 80, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया तो वहाँ गर्मी भी थी, लेकिन इसके बाद भी मतदान का प्रतिशत बढ़ते गया। हाँ, जबकि माना यह जा रहा था कि सुबह में थोड़ा मौसम उतना तल्ख नहीं रहता है, तो ज्यादा टर्न अप लोग होंगे जी, लेकिन वहाँ उल्टा इसका, सुबह में कम वोटिंग हुई और दोपहर होते होते वोट की का जो प्रतिशत वो 50% तक पहुंचा। हालांकि ये 2019 की तुलना से कम है, 52% उस साल हुआ था, 2% कम है, 2% कम है, लेकिन 50% तक लोग घर से निकले और वोट हुआ, तो ये एक ट्रेंड रहा वहाँ औरंगाबाद की जनता ने दिखाई है। हालांकि ये कम है, लेकिन थोड़ा सा जमुई से, नवादा से तो अधिक है, लेकिन गया से कम है। जबकि गया सबसे ज्यादा जो तपता हुआ शहर हुआ है, वो कर्क रेखा वहां से गुजरती है तो गर्मी सबसे ज्यादा होती है, ये स्थिति है। धन्यवाद मिथिलेश जी। हम लोग चर्चा कर रहे थे लोकतंत्र के महापर्व के पहले चरण में बिहार के दिन 4 सीटों पर मतदान हुए, वहाँ जो लो वोटिंग परसेंटेज रहा उसके क्या रहे कारण, और वोटर कहाँ के ज़्यादा निकले, किस इलाके के, मतलब गांवों की स्थिति क्या थी, शहरी इलाकों की क्या स्थिति थी, और जो कम वोट पड़े उसके क्या मायने हैं, राजनीतिक दलों के अपने दावे प्रति दावे हैं। हम अभी चर्चा कर रहे थे बिहार में जो पहले चरण के तहत 4 सीटों पर चुनाव हुए उस पर चर्चा कर रहे थे। हम आने वाले समय में ऐसे ही मुद्दों पर, चुनाव से जुड़े ऐसे ही सवालों पर बात करेंगे। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।